डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, जिन्होंने शिक्षा जगत में एक नन्हा सा पौधा लगाया था। 1995 के अंदर 56 छात्राओं से आपने कॉलेज शुरू किया और आज कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, मैनेजमेंट कोर्स हो, इन तमाम संस्थानों के माध्यम से देश में एक प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान को खड़ा करने का काम किया। एक लंबी कड़ी मेहनत, एक मन में लक्ष्य कि मुझे मेरे देश की बेटियों को अच्छी शिक्षा देनी है, संस्कार देना है, ताकि आने वाले समय के अंदर वह देश के अंदर नेतृत्व करें। और आज ये सपना उनका पूरा होता हुआ दिख रहा है। मेरा भी अशोक जी से बड़ा लंबा परिचय है, बहुत पुराना परिचय है, और इनके कॉलेज की ऐसी प्रतिष्ठा थी, अभी भी है, जब हमारे पास लोग आते थे कि मैं आईसीजी कॉलेज में हमारी बेटियों का एडमिशन कराना है। कोई बेटे के एडमिशन के लिए कभी नहीं आया, बेटियों के एडमिशन के लिए आए, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी को अनुशासन से जिया, शिक्षा के समर्पित भाव से जिया और एक अनुशासन संस्कारित हमारी बेटियों को कैसा भविष्य बनाना है उनका, इस मिशन से काम किया, उसके कारण ये प्रतिष्ठा बनी। आज मुझे खुशी है कि बहुत लंबे समय बाद मुझे इनके इस कैंपस में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जो सभागार है वो सभागार ही एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम से, जो हम सबको प्रेरणा देते हैं, कैसा उन्होंने चुनौती भर जीवन की शुरुआत की, अभाव में शुरुआत की, कई प्रतियोगी परीक्षा में प्रयास किए, असफल हुए। हमारा गौरवशाली इतिहास, हमारी परंपराएं, हमारा आधुनिक समय, जहां हमें गौरवशाली इतिहास हमें प्रेरणा देता है, हर चुनौतियों से लड़ने के लिए साहस देता है और उस चुनौतियों में से समाधान निकलने के रास्ते देता है। आज परिस्थिति क्या है, हमने लोकतंत्र की 75 वर्ष की यात्रा की है और उस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर जब भारत का संविधान बना था तो दुनिया का ऐसा संविधान जिसमें सबको समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार हो, मतदान देने का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हो, अलग अलग पूजा पद्धतियों से, पूजा पद्धतियों के आधार पर अपने अपने धर्म को पालने का अधिकार हो, अलग अलग संस्कृति भारत की और विविध संस्कृति की हमारी ताकत बनी लोकतंत्र। दुनिया के कई प्रगतिशील देश जो आज हमें दिख रहे हैं उनमें भी महिलाओं को मत का अधिकार उनके 50 साल बाद मिला, लेकिन भारत के संविधान निर्माताओं ने एक ऐसा संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है,
डेमोक्रेसी के अंदर भी और डेमोग्राफी के रूप में भी। और आज इस 75 वर्ष की यात्रा में हमारी सबसे बड़ी ताकत बनी है तो हमारी युवा छात्राएं बनी है, महिलाएं बनी है। ऐसे तो हमारा इतिहास बहुत पुराना है, हम जिस संस्कार जिस पद्धतियों से आते हैं, हमने देवी के रूप में मां की पूजा अर्चना की है, हमने आजादी की लड़ाई में सबसे पहले लड़ाई लड़ने का काम शुरू किया तो हमारी महिलाओं ने किया। लेकिन आज परिस्थितियों के अंदर जो बदलाव देख रहा हूं मैं, वह बदलती परिस्थिति में नए भारत के अंदर जो हमारा नया नेतृत्व निकल रहा है उसमें हमारी छात्राएं निकल रही हैं, युवा वर्ग की महिलाएं निकल रही हैं। और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र के अंदर आज महिलाएं नेतृत्व नहीं कर रही हो। आप राजनीति का क्षेत्र देखेंगे तो हमारी राष्ट्रपति जी महिला हैं, वित्त मंत्री जी महिला हैं, देश में कई बार हमारी प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व किया। राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र मैं कितने उदाहरण दे सकता हूं, विज्ञान का क्षेत्र, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र, प्रशासनिक सेवा का क्षेत्र, सीमा पर भी देश की रक्षा करने के लिए हमारी महिलाएं खड़ी है तो फाइटर प्लेन चलाकर भी हमारी महिलाएं नेतृत्व कर रही। कोई समय था, हमने उन समय को देखा है जब शिक्षा देते समय विचार किया जाता कि थोड़ी स्कूल पढ़ लें और ज्यादा हो, कोई प्रगतिशील परिवार हो तो कॉलेज तक पहुंचा दें, बस कॉलेज में भी बीए कर लें, एमए कर लें और ठीक है, परिवार में पढ़ी लिखी बेटियां होनी चाहिए, शादी करते समय कोई बाय डेटा पढ़ा लिखा हो, ऐसा। अब परिस्थितियां देखो, जब मैं दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर जब प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मेरे पास जब प्रशिक्षण प्राप्त करने आते हैं तो एक मुलाकात मेरी होती है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के मैं देखता हूं कि 40 से 50% महिलाएं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लड़के तो 4 बार 5 बार 6 बार तक कंपटीशन में पास होते हैं और ज्यादातर लड़कियां पहले कंपटीशन में पास होकर भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए, आर्मी में हो, अर्धसैनिक बल में हो, अकाउंट्स में हो, कोई ऐसा सर्विस सेक्टर नहीं जिस सर्विस सेक्टर के अंदर महिलाएं नेतृत्व नहीं कर रही। हमें गर्व है इस बदलते भारत के अंदर कि हम एक बार महिला शिक्षा के लिए संघर्ष करते थे, आज महिलाएं नेतृत्व कर रही। लेकिन अभी चुनौतियां बहुत हैं और उन चुनौतियों का समाधान भी हमें करना है, और चुनौतियों का समाधान करने के लिए जो मैं अभी देख रहा था कि किस तरीके से गोल्ड मेडल अलग अलग सेक्टरों में लिए, उन सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अभी बहुत सारी गोल्ड मेडलिस्ट थी लेकिन मेरी भी इच्छा थी, लेकिन मेरा इसी तरीके से अभी 230 पर एक और टेक्निकल MRIT में, IIT में इसी तरीके का दीक्षांत समारोह है। मैं पहले गुप्ता जी के यहां लेट आया, जो जनरली में कोशिश रहती है लेकिन रास्ते पर सूचनाओं के आधार पर लेट हुआ। मैं उन सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उनके माता पिता को और जिन्होंने उनको शिक्षा दी, संस्कार दिया, उन सबको शुभकामनाएं उनके सबके प्रयासों से, सामूहिक प्रयासों से आज आप इस डिग्री को प्राप्त करके निकले हैं।
गुरुकुल में जिस तरीके से शिक्षा संस्कार और संस्कार देने के बाद कहते थे ना, अब आपकी शिक्षा पूरी हो गई है, आप अब नए जीवन की शुरुआत करें, वही पद्धति आज भी है कि आपने जिंदगी का एक पड़ाव प्राप्त किया है, अब नए पड़ाव को आपने विचार करना है, आपको सोचना है, आपको निर्णय करना है। जो कुछ भी शिक्षा से आपने अर्जित किया, जो संस्कार से अर्जित किया, जो अपने मित्रों के साथ बाहर अंदर अपने जो पर्सनालिटी डेवलप किया आपने, अब बाहर आपको अकेले चलना, अकेले निर्णय करना है। जिंदगी के नए रास्ते चुनने हैं और रास्ते चुनते हुए कभी भी आत्मविश्वास में कभी मत लाना। हर चुनौतियों का समाधान ढूंढने की कोशिश करना, क्योंकि महिलाओं की चुनौतियां ज्यादा रहती है। शादी के पहले की चुनौती, शादी के बाद की चुनौती, लेकिन हर चुनौतियों से समाधान निकलता है। जो खेल के मैदान में जाएगा वही तो हारेगा जीतेगा, जो खेल के मैदान में नहीं जाएगा तो क्या करेगा, जो चुनाव के मैदान में नहीं जाएगा तो हारेगा जीतेगा, फिर चुनाव लड़ेगा, फिर युद्ध लड़ेगा। कितनी, मैं जिस सभागार में अब्दुल काम, उनकी कहानी जीवन की ऐसी रही। इसलिए आपको हर चुनौतियों से लड़ना है, आत्मविश्वास से लड़ना है। जो कुछ भी शिक्षा प्राप्त की वह अंतिम पड़ाव नहीं, शिक्षण प्रशिक्षण अनवरत चलता रहता है। और ये जितना हम शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे उतना ही संशय होगा, धन आएगा चला जाएगा, सब कुछ जीवन में चला जाता है, लेकिन जो आपने पढ़ाई की है, जो शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वो आपका कभी नहीं जाना, वो आपके हर अनुभव हर चुनौतियों के समाधान ढूंढने का काम करेगा। इसलिए कभी व्यक्ति सोचता है अब मेरी बहुत पढ़ाई होगी, अब किताबों से मैं बंद कर दूं। मेरे घर में भी ऐसे था, मैंने किताबें बंद करती देखी। मेरी पत्नी भी डॉक्टर है, एमएस जनरल सर्जरी में है, मेरी एक बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दूसरी बेटी ने आईएएस क्लियर किया है। हमारी दो बेटियां, लोगों ने कहा कि विरासत कौन चलाएगा, राजनीति में विरासत की चिंता जी आती है, लेकिन बेटियां में बहुत संवेदना होती है, वो संवेदना की मूर्ति होती है। और मैंने उन परिवारों को देखा है जो हर बेटियां जब बहू बनती है तो दो दो परिवार को संभालती है, एक जहां शादी होके आती है उस परिवार को संभालती, जहां पैदा हुई उस परिवार को भी संभालती, इतना सामर्थ्य होता है। इसीलिए आपकी सामर्थ्य, आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा, आपके नए सोचने का विचार, आपके नवाचार का विचार, नए अनुसंधान और कितनी परिवर्तन मैंने देखे। अब जितने भी स्टार्टअप आ रहे हैं, यूनिकॉर्न बन रहे हैं, उन सबको भी कहीं ना कहीं महिलाएं चला रही है, उनका मैनेजमेंट। दुनिया के अंदर आप चले जाएं, किसी भी देश के अंदर, उस देश के मैनेजमेंट में हो, चाहे प्रोफेशनल्स के अंदर हो, भारत का नौजवान युवक युवती नेतृत्व कर रहे हैं, भारत में कर रही है और भारत के बाहर भी कर रहे हैं। और इसलिए आज आप यहां से एक दीक्षा लेकर निकले, आपके जीवन में बहुत अवसर है, क्यों बदलता भारत है,
अब बदलते भारत में अवसरों की बहुत संभावनाएं हैं, दुनिया भारत की ओर देख रही है। इन अवसरों को हम किस तरीके से भारत के परिप्रेक्ष्य में अपनी सामर्थ्य से, अपनी ऊर्जा से, अपने सोच से, नए चिंतन से देश के बदलते भारत में हमारा योगदान हो। मुझे आने वाला जो 100 साल भारत का होगा, उसमें इस 25 साल के अंदर जो कुछ भी समाज ने मुझे दिया है, शिक्षा से दिया है, संस्कार से दिया है, चिंतन से दिया है, उसका उपयोग देश के लिए होगा। और जो 100 साल का हम भारत देख रहे हैं आजादी के बाद का, वो भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा, और उस नेतृत्व करने में आपकी भूमिका हो। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।